मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी सरकार की तीसरी कैबिनेट तैयार हो चुकी है, जिसमें इस बार एमपी के मामा के नाम से मशहूर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है और शपथ के 10 दिन के अंदर ही मामा शिवराज ने मध्य प्रदेश के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। अपने राज्य एमपी की सड़कों का कायाकल्प करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने 150 करोड़ ज्यादा की लागत की सड़कों को मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए 8 जिलों की 181 किलोमीटर लंबी 40 पक्की सड़कों का निर्माण कराया जाएगा, जिसकी जानकारी खुद शिवराज सिंह चौहान ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए की है, जिसमें शिवराज सिंह ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति तेज हो। इसी संकल्प को पूरा करने आज कृषि भवन में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की बैठक के दौरान पीएम जनमन योजना के तहत मध्य प्रदेश में 150.72 करोड़ की लागत की सड़कों को स्वीकृति दी गई है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से मध्य प्रदेश के 8 जिलों की 181 किलोमीटर लंबी 40 पक्की सड़कों का निर्माण कराया जाएगा और 44 असंबद्ध ग्रामीण बसावट को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि 17 साल मध्य प्रदेश के सीएम पद पर रहकर रिकॉर्ड बनाने वाले मामा शिवराज को इस बार बीजेपी ने एमपी से दिल्ली बुला लिया है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में एमपी की विदिशा सीट से शिवराज सिंह ने 8 लाख से ज्यादा वोटों से प्रचंड जीत को अपने नाम किया था। ये शिवराज सिंह का सियासी कद ही है जिसे मोदी सरकार ने कृषि मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी दी और साथ में ग्रामीण विकास मंत्रालय भी सौंपा है। पदभार ग्रहण करते ही शिवराज सिंह एक्शन में दिख रहे हैं और एमपी की सड़कों के लिए 150 करोड़ की मंजूरी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।